हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं कि क्या होता है सबूत का भार, यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साक्ष्य विधि के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्पर्स। तो दोस्तों, साक्ष्य विधि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। समस्त भारत की न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बुनियाद पर टिकी हुई है। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार की विधियों में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि सबूत को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अधिनियम को बनाने का उद्देश्य साक्ष्यों के संबंध में संहिताबद्ध विधि का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से मूल विधि के सिद्धांतों तक पहुंचा जा सके। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से ही जो इतने सारे अधिनियम बनाए गए हैं उनके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। कोई भी कार्रवाई या अभियोजन चलाया जाता है, अभियोजन पूर्ण रूप से इस अधिनियम पर ही आधारित होता है। बिना साक्ष्य अधिनियम के अभियोजन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और किसी भी सिविल राइट को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, वहीं पर आपको बता दें, साक्ष्य अधिनियम 1872 अपने निर्माण से आज तक सबसे कम संशोधित किया गया है। आपको बता दें कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम विशाल है, क्योंकि यह साक्ष्य विधि की कल्पना की परिभाषा देता है। साक्ष्य विधि में सबूत का भार सिद्धांत का अत्यंत महत्व है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी सबूत के भार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह कहा जाता है कि सबूत का भार सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम के मूल सिद्धांतों में से एक है तथा यह सिद्धांत साक्ष्य विधियों का मूलभूत सिद्धांत है। सबूत का भार सिद्धांत की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में दी गई है। इस परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया है कि सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए सबूतों को लाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में सबूतों को लाने का दायित्व भी किसी व्यक्ति पर बनता है। किसी वाद या कार्रवाई के भीतर सबूतों का भार किस व्यक्ति पर होगा, तथ्य को कौन व्यक्ति साबित करेगा तथा कौन सबूत पेश करेगा, यह तय करना सबूत का भार सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक पक्षकार को ऐसे तथ्य स्थापित करने होते हैं जो उसके पक्ष में हो तो दूसरे पक्षकारों के विपक्ष में हो। अब आइए जान लेते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 क्या कहती है। तो जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्रख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। दोस्तों, धारा का यह सिद्धांत यह है कि जो पक्षकार किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में न्यायालय का समाधान करवाना चाहता है और उसके आधार पर निर्णय चाहता है, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई संपत्ति इस आधार पर काबिज से प्राप्त करना चाहता है कि वह संपत्ति का मालिक है, तो उसे ही अस्तित्व साबित करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी व्यक्ति को किसी अपराध में सजा दिलवाना चाहता है, तो अभियोजन चलाने वालों को सिद्ध करना होगा कि वह व्यक्ति अपराध का दोषी है। यहाँ पर आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। एक प्रकार से सिद्धांत को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार आता है, अर्थात सबूत की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर ही आती है। सो दोस्तों, आपको बता दें कि यह धारा यह ध्यान आकर्षित करती है कि अगर किसी भी ओर से साक्ष्य ना दिया जाए तो जिस पक्षकार की बात विफल हो जाएगी उसी पर साबित करने का भार होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, का ने खाप पर उधार धन वसूली और मध्यवर्ती लाभ के लिए कोई वाद दायर किया है, तो अगर कोई भी पक्षकार साक्ष्य ना दे पाए तो का दावा विफल हो जाएगा, इसलिए का पर साबित करने का भार है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।